नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जो नए यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पर नए आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है। अगर वो यूट्यूब पर आना चाहते हैं और वो अपना पहला वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको क्या क्या जान लेना चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। दूसरा है आपका थंबनेल, आपको थंबनेल बनाना सीख लेना चाहिए दोस्तों। अगर आपका थंबनेल नहीं अच्छा होगा तो आपका वीडियो के व्यू बहुत कम आएंगे और जिससे आपका पहला वीडियो अगर ख़राब हो गया तो आपके 200-400 रुपये ही वीडियो पे आपके ज़्यादा व्यू आने के चांस होते हैं। 2-4 वीडियो पे अगर आपके बहुत सारे व्यू नहीं आ पा रहे हैं, लोगों तक आपका वीडियो नहीं जा पा रहा और आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आगे का आपके वीडियो पे ज़्यादा व्यू आने के चांस नहीं रहते। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले एडिटिंग सीख लीजिए, फिर थंबनेल बनाना सीख लीजिए, उसके बाद कैसे अपलोड करना है वो आप जान अब हम आपको बता देते हैं। जैसे आप ये दो चीज़ सीख लेते दोस्तों तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपलोड कहाँ से करना है। अपलोड करने के लिए आपके या तो आप यूट्यूब सीख कर लीजिए, यूट्यूब से कर लीजिए या तो फिर आप क्रोम से कर सकते हैं। आप क्रोम से भी कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि यूट्यूब आप क्रोम दोनों सेम ही काम करता है। आप YT स्टूडियो से भी जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए यूट्यूब या क्रोम बेटर रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप यूट्यूब से ही अपलोड कर दें। अगर शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप यूट्यूब से अपलोड कीजिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आप क्रोम से अपलोड कीजिए। तो आपको कैसे क्रोम या यूट्यूब से कैसे अपलोड करना है तो इसलिए हम आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों कि आप यूट्यूब से कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। जैसे आप यूट्यूब ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों आपके पास 5 ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे 3 वाइल ऐसे आपका है, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन एक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो प्लस का आइकन है दोस्तों आप समझ जाएंगे, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ खुल जाएगा इस तरह से मोबाइल पे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे ऐसा कैमरा ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्ट जो है वीडियो बना सकते हैं कैमरे पे आके। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड का, ये ऐड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपको डायरेक्ट जो है गैलरी पे ले जाएगा। यहाँ से आप अपना वीडियो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका वीडियो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से जो है आपके मोबाइल पे कैमरा वाला ऑप्शन खुल जाएगा। आप अगर 60 सेकंड से कम है तो आपको वहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका 60 सेकंड पूरा है आप चेक कर लीजिए वहाँ पे कि अगर आपका कोई पार्ट काटना है या आपको कोई और ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डन कर देंगे तो आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप यहाँ पे और क्या ऐड करना, जैसे आपको कुछ लिखना हो गया या उसमें फिल्टर लगाना हो गया या और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि सारा कुछ सही है और आपको कुछ भी ऐड नहीं करना तो आपको वहाँ पे एक डन का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप वहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो फिर से वो आपको एक और पेज पे ले जाएगा, फिर वहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप वहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों वहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे आप ऐड डिटेल्स के नीचे आपको यहाँ पे आपको लोगो का होगा जो आपको थंबनेल लेने की जो आपके मोबाइल सभी के मोबाइल पे दिखेगा, उसके यहाँ पे साइड पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा टाइटल डालने का ऑप्शन। टाइटल डालने के नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपके चैनल का जो है लोगो देख रहा होगा और चाहे यहाँ पे चैनल का नाम लिखा होगा। यहाँ पे चैनल के नाम के नीचे आप देखेंगे विजुअलिटी का ऑप्शन मिल जाता है आपको, विजुअलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा और इस तरह से आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉर्ट पे कोई और शॉर्ट बनाए
वो यहाँ पे मिल जाएगा, उसको ऑन ऑफ कर देना है। और आगे और ज्यादा समझने के लिए अपना स्क्रीन रिकॉर्डर साइड में चला दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा आप कुछ करने के बाद आपको अपलोड शॉर्ट पे कर दे क्लिक कर देना। जैसे आप अपलोड शॉर्ट पे कर देंगे दोस्तों, तो थोड़ी देर यह प्रोसेस लेगा, उसके बाद ये आप नेक्स्ट अपलोड होने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ शॉर्ट अपलोड करना है। और अभी आपको बता देते हैं कि लॉन्ग वीडियो पे आपको कैसे अपलोड करना है। लॉन्ग वीडियो पे आपको इस तरह से कुछ नहीं करना होता, आप शॉर्ट यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा यूट्यूब से। लेकिन अगर आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करना है, आप शॉर्ट भी जो है वहाँ से अपलोड कर सकते हैं और लॉन्ग भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बेटर आपके लिए ये होगा कि आप क्रोम से जो है लॉन्ग वीडियो अपलोड कीजिए, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़े, यानी कि आपका यूट्यूब जो है इम्प्रेशन ज़्यादा भेजता है क्रोम से, क्योंकि क्रोम ज़्यादा बेटर है आपके लिए और वहाँ से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो क्रोम से अपलोड करने के लिए जो है आपको आपके मोबाइल पे क्रोम वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद दोस्तों आपको जैसे आप क्रोम ओपन करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्रोम ओपन करते ही आपको जो है आपको सर्च बार मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च बार पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे सर्च करना है youtube.com। जैसे आप सर्च कर लेंगे youtube.com, सर्च करने के बाद आपको जो है वहाँ पे सबसे ऊपर जो है ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखना है कि अगर आपका वही चैनल है तो आपको सही चैनल क्लिक कर देना है और सेट कर लेना है। अगर आपका डेस्कटॉप मोड पे ऑन नहीं है तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर देना है। इस तरह से कुछ डेस्कटॉप मोड ऑन हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सारा आपका वीडियो का यूट्यूब का जो है सारा कुछ दिखेगा। तो अगर आपको जो भी सेट यहाँ पे वीडियो अपलोड करने पे आप साइड पे देखेंगे तो एक तीर वाला निशान बनेगा, ऊपर देखेंगे तो आपको क्रिएट लिखा होगा, तो आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अगर आप पहले वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शुरू में भी दिख सकता है। अगर आप पहले एक दो वीडियो अपलोड किए हैं या नहीं किए हैं तो यहाँ पे शुरू पे अगर बीच में नहीं दिख रहा तो आपको साइड पे देख लेना है, वहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीन जो है ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक दो बार क्लिक कर लेना है तो तुरंत जो है वीडियो नहीं जाता, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके खुल जाएंगे, तीन या चार ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको मीडिया वाला ऑप्शन मिलेगा, मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आपको सीधे आपके गैलरी पे लेके चला जाएगा। तो जैसे आप गैलरी पे जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको जो है अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने वीडियो बना रखा है वो आपको वीडियो चेक कर लेना है कहाँ पे है। और यहाँ पे आपको वीडियो जो है सिलेक्ट करके, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऊपर पे टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। थंबनेल के ऑप्शन पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो है ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइटल जो है, अगर आपने पहले से यूट्यूब मतलब वहाँ पे वीडियो पे अपना जो भी नाम डाल रखा हो वो आपको यहाँ पे दिख रहा हो, तो यहाँ पे आपको अपना जो है टाइटल डाल लेना है। जैसे आप यहाँ पे टाइटल डाल लेंगे दोस्तों, तो नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या डालना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो इसके ऊपर बताऊँ मैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डालना होता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट, इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे आपके लिए वो भी बना दूंगा कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे क्या क्या डालना होता है। यहाँ पे टाइटल टाइटल डालने के बाद डिस्क्रिप्शन डाल लेना है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आप नीचे जो है आपका थंबनेल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने थंबनेल बना रखा है तो यहाँ से आप थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। थंबनेल अपलोड करने के बाद आप सो मोर का ऑप्शन मिल जा रहा होगा। सो मोर पे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है, प्लेलिस्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आपको सो मोर का ऑप्शन मिल रहा होगा, सो मोर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सो मोर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन और खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सारा ऑप्शन चेक कर लेना है, जो भी आपको करना है ये सारा सेटिंग करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो टैक्स का ऑप्शन मिलता है। टैक्स
आप सब पे आपको क्लिक कर देना, जो भी टैक्स आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं, और आपसे आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी टैक्स होंगे वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड टैक्स का जैसे आप ऐड टैक्स करके आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके बाद ये ऐड करने के बाद आप यहाँ पे 500 वर्ड लिख सकते हैं, वो कोई भी 500 वर्ड हो सकते हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने वीडियो के रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे कैटेगरी वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। कैटेगरी आप जो भी आपके कैटेगरी, क्योंकि आप पहला वीडियो बना रहे हैं तो आपको कैटेगरी चूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में आज तक यूट्यूब पे पहले कोई वीडियो नहीं अपलोड करें और आप अभी तक नहीं देखें किस तरह से आपको कैटेगरी चूज करना है, ये आप एक बार में पहले भी बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, इसके लिए आप एक सेटिंग करना होता है, जो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको वो सेटिंग करना है। आपको बताऊंगा यूट्यूब के कैसे ये सेटिंग करते हैं क्रोम से, जिससे आपको बार बार ये सेटिंग्स ना करना पड़े। तो आज ही अभी हम अपलोड करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अभी अपलोड की बात करें। यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हमारा कितना परसेंट वीडियो अपलोड हो गया। तो यहाँ ऊपर से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे साइट पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप साइट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सब टाइटल हो गया, और आपको इंडी स्क्रीन आई कार्ड वगैरह लगाने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, इसको आप लगा लीजिए। यहाँ पे ये पूरा करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन फिर से मिलेगा, नेक्स्ट पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे विजुअलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, विजुअलिटी जो भी पब्लिक या सो अनलिस्टेड जो भी रखना चाहते हैं, पब्लिक या अनलिस्टेड रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे अनलिस्टेड या पब्लिक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे जैसे इतना काम पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका वीडियो अपलोड होने लगेगा, और आपको ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका वीडियो अपलोड हो गया होगा। जैसे आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, अगर आप अनलिस्टेड रखते हैं तो यहाँ पे उसी समय पे जाके आपको ये जो है पब्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ चाहते हैं डायरेक्ट पब्लिक करना, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक करना नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक करने से आपका यूट्यूब जो है पूरा चेक नहीं कर पाता है। जैसे आप यूट्यूब पर चेक कर लेगा, आप वहाँ चेक का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर अगर आपका चेक वाला ट्रिक सही लगा है फिर भी आपको जो है कम से कम आधा घंटे का समय लेना है दोस्तों, आधे घंटे बाद ही आपको जो है वीडियो को पब्लिक करना है। तो इस तरह से अगर आप अपलोड करते हैं दोस्तों तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको जो है ज़्यादा व्यू मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।